हाय, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम दिखाती हूँ, हमारे घर के पास में ही है, 2 मिनट की दूरी पे मंदिर। यहाँ सब आते हैं, अभी कोरोना की वजह से कोई भी नहीं है। चलो मैं दर्शन कराती हूँ आप लोग को। आवाज़ थोड़ी कम आएगी क्योंकि बस गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, यहाँ पर मेन रोड है ना, इसलिए। तो मैं आपको दर्शन कराती हूँ। यहाँ अपने सब भगवान जी हैं। तो यहाँ पे ना शाम को बहुत भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने को जगह नहीं थी। अभी क्या है कि अभी कोरोना की वजह से यहाँ कोई आता नहीं है। तो पहले आपको मैं दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए, ये हैं गणपति बप्पा। हाँ, इनके दर्शन कर लीजिए आप लोग। और यहाँ का ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा ही है। अगले यहाँ सब देवता हैं, जो भी गणपति बप्पा है, साईं बाबा हैं। सबसे बड़े यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर है। ये देखिए, ये जो शिरडी वाले साईं बाबा हैं, उनके जैसा पूरा टोपोग्राफी बनाया है। और यहाँ शाम को बहुत सारी भीड़ होती है कि अभी कोई नहीं है, ज़्यादा एंट्री नहीं है, क्योंकि बॉम्बे में ज़्यादातर नहीं खुले हैं मंदिर। तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। और इसके बाजू में है लक्ष्मी जी, ये लक्ष्मी जी का फोटो है, मूर्ति है उनकी। क्योंकि बॉम्बे में सबसे बड़ी जगह की कमी होती है, तो ज़्यादा जगह तो बॉम्बे में कहीं है नहीं है, तो इसलिए छोटे छोटे मंदिर होते हैं, बहुत अच्छे मंदिर होते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं शंकर भगवान का। तो बाहर निकलते हैं, तो ये है यहाँ, ये हैं बड़े से शिवलिंग। तो चलिए हम भी दर्शन कर लेते हैं। सॉरी, वीडियो पे ये हाथ हो गया है, तो नीचे चलते, सीढ़ियाँ हैं नीचे। नहीं तो यहाँ शाम को आरती होती है ना, बहुत सारी भीड़ होती है, और शिवरात्रि के दिन तो बहुत ज़्यादा। तो क्या है, दर्शन कर लीजिए आप लोग शिवलिंग के। मैं भी पैर पड़ती हूँ क्योंकि हम लोग का रोज आना जाना रहता है, यहाँ पे आते रहते हैं, घर के पास में ही है। और ये बैठी है माता रानी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ये माता रानी है। और अभी हम आपको बाहर लेके चलते हैं। तो ये है, यहाँ शिवरात्रि को बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़। अभी और दिखाते, ये है नंदी, ये देखिए नंदी हैं। और इनके बाजू में हैं अपने ये कछुआ महाराज, ये यहाँ पे स्थापित रहते ही हैं। तो हम भी पैर पड़ लेते हैं। नंदी जी के, और ये हैं हनुमान जी, इनका भी कांच में बंद किया है इनको। तो इसके साइड में और भी इनका गदा रखा हुआ है यहाँ, ये। और ये हनुमान जी है, ये बड़े हनुमान जी है, और ये छोटे हनुमान जी है, दो मूर्तियाँ रहती हैं यहाँ। तो ये उनकी शाम की आरती की जोत जल रही है। और ये छोटे वाले हनुमान जी हैं, और इनके बाजू में हैं अपने शनि महाराज, ये देखिए। और यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ये इसमें सब लोग हैं, इसमें शनि जो काफ़ी उसके शनि भगवान हैं, कितने 7-8-9 प्रकार के शनि भगवान हैं। तो इनको सबको अंदर लॉक किया गया है कि लोग आते बाहर से छूते, इसलिए पहले से ही बना हुआ है ये सब। अभी ज़्यादा नहीं, कुछ डेकोरेशन वगैरह नहीं हुआ है। और ये पूरा व्यू है, मैं दिखाती हूँ आपको।
पंडित जी कैसा चल रहा है आपका? हाँ क्या बात है, मंदिर पूरा सुना सुना पड़ा है। अच्छा ये बैठे पंडित जी हमारे, ये अपने यूपी के पंडित जी, कहाँ के आप? एमपी कहाँ के? ग्वालियर। ग्वालियर की तो मैं भी हूँ, आगरा से। हाँ तो ये पंडित जी और भी रहते हैं, दो तीन लोग रहते हैं। सुबह सुबह थोड़ा भीड़ भी होती, शाम को बहुत भीड़ होती थी यहाँ पे, कीर्तन भजन होते रहते थे। अभी क्या है कोरोना है उसकी वजह से भी एंट्री नहीं है और लोग ज़्यादा निकलते नहीं हैं, अक्सर बॉम्बे में ज़्यादा हैं। तो ये हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ का है ये पूरा, ये देखिए पूरा मंदिर हमारे घर के पीछे ही है। अभी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ थोड़ा सा 5 मिनट की दूरी है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो ये यहाँ का पूरा मंदिर है, यहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। ठीक है चलो और दिखाते हैं आपको। साईं बाबा की पादुका है ये देखिए, और इनके बगल में छोटे से यहाँ भी है अपने रखी हुई है मूर्तियाँ, ठाकुर जी महाराज हैं, कुछ अपने और भी भगवान हैं, सब लोग रखे हैं यहाँ पर। उनका मंदिर है छोटा सा।